आज हम बनाएंगे पेठा पूरी। तो पेठा पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए पेठा, तो मैंने हाफ पेठा लिया है, तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। तो कट करने की प्रक्रिया है, मैं सबसे पहले इसको छोटे छोटे भागों में क्या कर रही हूँ, कट कर दिया। थोड़ा सा ना इस वक्त पे जो पेठा है हमारा वो क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। आपको शायद मेरे कट करने के तरीके से पता भी चल रहा होगा ये क्या है, थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार से पेठे पूरे पेठे को क्या कर देती हूँ, पील कर देती हूँ। को क्या किया है, छील लिया है। मैं एक बात बताना तो भूल ही गई आपको, वो ये है कि हम पेठे को कद्दू भी बोलते हैं। जैसे भंडारे में आप कद्दू की सब्जी खाते हो ना, तो पेठे को हम कद्दू भी बोलते हैं। तो मैंने कद्दू को यहाँ क्या किया है, थोड़े से इसके मोटे मोटे टुकड़े करे हैं। तो मैंने अभी टुकड़े कर लिए हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आप इसी आकार के जो इसके टुकड़े हैं वो कर सकते हैं। अब मैं कद्दू को बिल्कुल अच्छे से साफ पानी में वॉश कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया है, दो टमाटर और तीन मिर्ची ली है। दो टमाटर क्यों, क्योंकि जो कद्दू की सब्जी होती है वो ज़्यादा खट्टी नहीं होती, और ज़्यादा खट्टी हो जाए तो उसके लिए मैंने क्या रखा है, थोड़ा सा गुड़ ले लिया है जो मैं उसके अंदर डाल, क्योंकि कद्दू की सब्जी खट्टी खट्टी मीठी मीठी ही होती। अब पहले तो मैंने चिमनी ऑन कर लिया सबसे पहला, फिर मैंने कढ़ाई ली है, और कढ़ाई के अंदर मैं कढ़ाई को क्या कर रही हूँ, गीली है तो थोड़ा सा सूखने देती हूँ। फिर मैं डालूंगी इसके अंदर सरसों का तेल, कि सरसों के तेल में जो सब्जी है वो थोड़ी अच्छी बनती है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सरसों का तेल। मैंने सरसों का तेल डाल लिया है, सरसों के तेल को मैं पकने देती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल कच्चा तेल होता है, जब तक इससे धुआं नहीं निकलता ना बिल्कुल, तब तक वो वैसे पकाती हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी मेथी, जीरा, ये छोटा सा तेज पत्ता, इन दोनों को मैंने होने देती हूँ। अब मैं डाल देती हूँ, आप बोलोगे कि टमाटर कौन डालता है इसके अंदर, क्योंकि आप इस तरह से भी बना सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी सब्जी खाने का, टमाटर का डाल सकते हो सब्जी के अंदर। अब मैं डाल रही हूँ मिर्ची, मैंने ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, काली मिर्ची, सूखा धनिया पाउडर, मैं थोड़ा सा अचार मसाला डालती हूँ। आपकी मर्जी है, आप डालना चाहो डाल सकते हो, इससे थोड़ा सा अचारी अचारी सा पेठा बनता है, जिससे अचारी अचारी टेस्ट आता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक टुकड़ा गुड़, आप चीनी भी डाल सकते हैं अगर आपके घर गुड़ नहीं है तो। मेरे मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर कद्दू। अब मैंने कद्दू डाल दिए हैं, मैं कद्दू को इस मसाले के अंदर पूरी अच्छी तरह से मिला देती हूँ तो थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको बिल्कुल अच्छी दोनों हाथों से आप इसको क्या करें, मोयन करें। अब मेरा जो आटा है पूरी और का आटा वो लग चुका है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख गया। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं मेरी जो सब्जी है पूरी तरह से पक चुकी है। मैं इसको देखो आपको मैश करके भी दिखा रही हूँ, बहुत गर्म है तो मैं आपको चम्मच की हेल्प से क्या करके दिखा रही हूँ, मैश करके दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से जो मेरा पेठा है वो क्या हो गया, पक चुका है। अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, सॉरी धनिया, और मैंने इसको क्या करा है घुमा दिया।
कैसा लग रहा है मेरा पेठा आपको? अब मैं इसको अपने लड्डू गोपाल के लिए कटोरी में सर्व कर देती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल की प्लेट तैयार है।